जानना चाहेंगे क्या आपने आज यहाँ के बारे में? हम लोगों ने आज यहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने नौजवानों को 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था और उनका सारा वोट ले लिया। उसके बाद उन बेचारों को रोज़गार तो नहीं मिला। आज 4 साल हो गए, 8 करोड़ तो उनके हिसाब से ही बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बेरोज़गारों की मजाक उड़ाई, उन्होंने कहा कि ऑफिस के बाहर पकौड़ा बेचकर जो बेच रहे हैं उन्हें भी रोज़गार मिल रहा है। उन्होंने कहा जितने बेरोज़गार हैं पढ़े लिखे वो सब पकौड़ी बेचें, लेकिन उन्होंने पकौड़ी, अब बेचारों ने अभी तक पढ़ाई करी है, पकौड़ी बनाना जानते नहीं हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री की मदद कर दें, तो ऐसे बेरोज़गार नौजवानों को हम लोग पकौड़ा बनाने की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और ये पहला सेंटर है पूरे ज़िले में, हम लोग इस तरह के सेंटर खुलवाएंगे, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है। तो अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं पूरे देश का बेरोज़गार नौजवान पकौड़ी बेचकर उसको रोज़गार मिले, 200-300 रुपए कमाए, तो उनकी मदद हम कर रहे हैं। कितने किस्म के पकौड़े हैं इसमें, कौन कौन से? इसमें चार किस्म के पकौड़े हैं। मोदी पकौड़ा है, शाह पकौड़ा है, जेटली पकौड़ा है और योगी पकौड़ा है। और उसमें बाकायदा वो भी हैं कि कौन सी डिग्री वाला कौन सी पकौड़ी बनाएगा। इन पकौड़ियों को दिल्ली तक या लखनऊ तक भी कहीं पहुंचाने की व्यवस्था है किसी संदेश के माध्यम से? पूरे देश का बेरोज़गार नौजवान, जिनकी मजाक उड़ाई है प्रधानमंत्री जी ने ये कहके कि पकौड़ी बेचने से भी रोज़गार मिलता है, वो पूरे देश का नौजवान अब 2019 का इंतज़ार कर रहा है कि जिस तरह से हम बेरोज़गार हैं, हम इन नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को भी बेरोज़गार करें अपनी तरह से, इनको चुनाव हरा कर। बजट में भी कोई रोज़गार के लिए कुछ नहीं दिया गया? पूरे बजट सब जानते हैं, विकास विरोधी बजट, किसान विरोधी बजट, नौजवानों का तो कुछ है ही नहीं उसमें। किसानों को हर किसी से झूठ बोलकर, गरीबों से झूठ बोला कि 15-15 लाख देंगे, वो नहीं आए। किसानों से कहा कि तुम्हारा कर्ज़ा माफ़ हो जाएगा, तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो कुछ नहीं हुआ। नौजवानों को रोज़गार का झांसा देकर 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो कुछ नहीं दिया। तो सारे लोग मिलकर 2019 के चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से बेरोज़गार हैं, जिस तरह से हमारे काम धंधा चौपट हो गया है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और प्रधानमंत्री जी को भी बेरोज़गार।